हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले श्याम मेटाली की। श्याम मेटाली की अगर हम बात करें, रीसेंट लिस्टिंग है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आईपीओ में जिन्होंने अप्लाई किया था और उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न उन्हें मिले हैं। उसके बाद भी जिसने खरीदा था उसके बाद शेयर अच्छा खासा भागता हुआ, 100 रुपये के लगभग भागता हुआ दिखाई दिया था, उन्हें अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं। तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो एज वेल एज दूसरे स्टॉक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे और आप अच्छे खासे पैसे मार्केट में कमाते रहे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आज के दिन में यहाँ पर वीडियो बनाई गई है जोमेटो के आईपीओ में क्या करे, सॉरी जोमेटो के स्टॉक्स में। ग्लेनमार्क का आईपीओ आ रहा है उसका रिव्यू, रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ आ रहा है उसका रिव्यू, एज वेल एज उनकी डिटेल से रिलेटेड बातें करिए, अप्लाई करना चाहिए नहीं यहाँ पर उससे रिलेटेड बातें हैं। दो फार्मा स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर चर्चा है, जो जितने गिरते हैं उतना भागते हैं, एज वेल एज आई हैव यहाँ पर देखिए एक स्टॉक खरीदा है जिसमें 130% के रिटर्न मिलने के चांसेस है और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर खरीदा है। तो आप अपनी स्टडी करके आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर सीखना है, सीख के आपको कोई भी पोजीशन लेनी है। और बाकी बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर आपको कोई भी पोजीशन लेनी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। बाकी प्ले लिस्ट यहाँ पर है आपके लिए, प्ले लिस्ट को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले, श्याम मेटालिक, अभी रिसेंटली आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, आपको पता ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर अच्छा खासा मतलब आया था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हुई थी, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 461 तक ये इसने हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पर एक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। और अपनी अभी इसने Q1 के रिजल्ट और Q2 के रिजल्ट एक साथ इसी महीने में यहाँ पर इसने पेश भी करे, Q1 Q2 दोनों के रिजल्ट हमने यहाँ पर बताए हैं। तो यहाँ पर आप हमारी यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा या फिर हमारे यहाँ पर लिखिएगा रिजल्ट से रिलेटेड, तो आपको मिल जाएगा नीचे। जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन हमने इससे रिलेटेड बातें करी है। और भी अगर हम कुछ चीज देखें तो 361 रुपए पे 30 जून को था, 20 जुलाई अगर बात करें यहाँ पर 20 दिन के अंदर 461 रुपए पे हाई बनाया था, उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट है। और यहाँ पर देखिए 580,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए, लगभग 40% के शेयर आज के दिन में उठाए गए। मैंने भी आज के दिन में यहाँ पर बाइंग की है और मैंने इससे पहले भी यहाँ पर बाइंग करी थी, यहाँ पर 400 रुपए के आसपास जब ये शेयर आया था, यहाँ पर नीचे गिरा था एक बार यहाँ पर इससे पहले ही, तो वहां पर हमने पहले भी बाइंग करी थी। आज दोबारा मौका मिला, दोबारा बाइंग करी है। क्यों बाइंग करी है, उसके पीछे का रीजन है। सबसे पहले थे श्याम मेटालिक, ओके आपको करता क्या है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो ये जैसे कि मेटालिक है तो मेटल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 11,457 इनके एम्प्लॉयज है, AAA नेगेटिव इसकी क्रिसिल ने रेटिंग दे रखी है। इनकी अगर देखिए कंबाइन प्रोडक्शन कैपेसिटी 5.71 मैट्रिक टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी है। एल्युमिनियम फॉइल्स में रिलेटेड काम करती है, स्टील से रिलेटेड फेरो एलॉय से रिलेटेड कंपनी काम करती है, पावर से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो इनका डाइवर्सिफाइड यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पोर्टफोलियो है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कंपनी अलग अलग बिजनेस में काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और सबसे अच्छी बात इसकी है फाइनेंशियल्स, जो कि हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, 10,943 करोड़ की मार्केट कैप है, 13 का यहाँ पर पीई है, आरओसी 26% की है, 22% का यहाँ पर लगभग ना के बराबर ही डेट समझिए। और बुक वैल्यू देखिए 142 है, बट यहाँ पर करंट प्राइस 429 चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारी इनकी कंपनीज है, सॉरी यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं पिछले यहाँ पर 5 क्वार्टर की, तो 1,084 करोड़ की सेल्स थी मार्च में, फिर 912 हुई, फिर 1,700 करोड़, फिर 2,300 और अभी 2,400, मतलब हाईएस्ट एवर सेल्स। जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर जब नंबर्स आने लग जाए ना, तो समझ लीजिएगा कंपनी में काफी ग्रोथ अभी और बाकी है और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। और मेटल के शेयर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, आज के दिन सब शेयर भागे हैं मेटल के। अगर हम बात करें हिंडाल्को भी भागा है, यहाँ पर बात करें टाटा स्टील भी भागा है, बट यहाँ पर नहीं भागा तो कौन नहीं भागा, यहाँ पर नहीं भागा श्याम मेटालिक। और श्याम मेटालिक नहीं भागा है तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। क्यों? क्योंकि ये शेयर जब भागेगा तो यहाँ पर किसी और शेयर को मौका ही नहीं देगा। हम बात करें
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पांच अगर बात करें 5 क्वार्टर में यहाँ पर 189 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 80 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर 5 क्वार्टर में 500 करोड़ के 450 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और अगर 3-4 साल के यहाँ पर सेल्स देखे 3700, 4600, 4300 और 6200, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर गिरावट थी आपको बताइए, फिर उसके बाद अच्छी खासी यहाँ पर एक रैली, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट की बात करें लगभग 4 साल में दुगना होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके सामने है। बाकी हम बात करते हैं रिजर्व्स की, रिजर्व्स अच्छे खासे 3400 करोड़ के रिजर्व्स। बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर पहले 1337 करोड़ थी लास्ट ईयर, एक साल में इन्होंने अपनी बोरिंग कम कर दिया, 994 करोड़ की, सॉरी 792 करोड़ की रह गई, लगभग आधी यहाँ पर बोरिंग रह गई है। फिक्स एसेट देख लिया 1802 करोड़ के और CWIP 506 करोड़ रुपए यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में है, जब ये यहाँ पर एड होते हुए दिखाई देंगे और 1802 करोड़ रुपए जब 2308 करोड़ रुपए में तब्दील हो जाएंगे तब यहाँ पर जो सेल्स है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट है ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, 282 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, कैश अच्छा खासा है, 324 करोड़ का इनके पास कैश रखा हुआ है और जो भी कैश आता है इनकी बुक वैल्यू में दिखाई देता है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर कैश फ्लो है और इंक्रीजिंग मैनर में है, कोई भी साल ऐसा नहीं किया जब नेगेटिव कैश फ्लो हो। ROCE यहाँ पर देखिए 29-26 के आसपास ही चल रही है। प्रमोटर्स की बात करें 88.35% के शेयर है, बट एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कभी भी यहाँ पर आपको अगर हम यहाँ पर देखें तो OFS आ सकता है और OFS के थ्रू 3 साल के अंदर अंदर OFS आना होता है, तो यहाँ पर एक साइडवेज स्टॉक भी चल सकता है, बट मुझे नहीं लगता अभी कुछ टाइम साइडवेज चलेगा क्योंकि मेटल में रैली है तो ये भी शेयर मेटल की तरह यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा और अच्छा खासा ये जाएगा, बट बीच में कभी भी OFS आएगा इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि 75% की इन्हें होल्डिंग करनी है, इन्होंने थोड़ी सी बेची है। FIS की बात करें 2.59 है, DIS की बात करें 2.04 है, पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास केवल और केवल 7% की हिस्सेदारी है, इसमें ऑपरेटर भी है, इसमें सारे के सारे लोग यहां पर दिखाई देते हैं, तो यहां पर OFS आएगा एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा। बाकी ये शेयर में मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है और जब भी गिर रहा है मैं इसे यहां पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। ओके, इस लेवल पर भी ऐड किया था, फिर बात करें हमने यहां पर भागता हुआ दिखाई दिया, इस लेवल पर भी हमने आज के दिन में यहां पर बाई किया है। अब बात करते हैं ये शेयर हमें क्या दिखाई देता है, तो देखिए यहां पर एक चार्ट पैटर्न शायद बनता हुआ दिखाई दे, यहां पर देखिए तो यहाँ पर एक कप यहाँ पर एक अगर हम यहाँ पर देखें तो एक शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, शेयर थोड़ा थोड़ा यहाँ नीचे आ रहा है, अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पर एक हेड बनता हुआ दिखाई देगा, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आके ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद एक दोबारा शोल्डर, तो इस तरीके से ये शेयर चल सकता है, बट अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर के इसके रिजल्ट आएंगे ओके तब ये शेयर और ज्यादा गोली की तरह भागता हुआ दिखाई देगा और एक बेहतरीन 500 रुपए 600 रुपए के टारगेट यहाँ पर हमें अचीव होते हुए दिखाई देंगे, जो इसका ऑल टाइम हाई है उसे तो क्रॉस करेगा ही, तो 500 भी आएंगे और फिर 600 रुपए के भी टारगेट आएंगे क्योंकि इनके जो नंबर है वो माइंड ब्लोइंग है, इनके नंबर सपोर्ट करते हैं, इनकी नंबर के बेस पे ही यहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया था, नंबर के बेस पे ही यहाँ पर ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा। अभी ज्यादा चार्ट की हिस्ट्री नहीं है तो वी कांट डिसाइड कि क्या होगा, बट जिस तरीके से जितने भी IPO अभी तक आए हैं सभी इसी तरीके से कोई चार्ट पैटर्न बना रहे हैं और कोई चार्ट पैटर्न इन IPO का नहीं बन रहा, वो सीधे एक ही दिशा में जा रहे हैं, ऊपर नीचे कर करके ऊपर की तरफ, बस ऊपर की तरफ ही जाना है और शेयर को भी ऊपर की तरफ जाना है, जब यहाँ पर सब चीज यहाँ पर ये सपोर्ट करते हैं, तो इस शेयर में जितनी गिरावट हो बाय ऑन डिप्स करके एक साथ लमसम अमाउंट मत लगाइए, जितना जितना गिरता है 100 शेयर खरीदने हैं तो 10 शेयर खरीदिए, फिर 10 थोड़ा सा नीचे आता है फिर 10 खरीदिए, इस तरीके से आप खरीद के यहाँ पर अप्लाई कर यहाँ पर इन शेयरों को एक्युमुलेट कर सकते हो और अच्छा खासा जब यहाँ पर देखिए गिरेगा कितना, तो मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर 365 और यहाँ पर जो 360 के जो आसपास बना है इसका नीचे इससे ज्यादा गिरने वाला है ओके, बट यहाँ पर अगर गिरेगा तो एक बहुत बेहतरीन रैली बनाते हुए जाएगा ये शेयर, इस चीज को याद रखिएगा, मैं इसमें बुलिश हूँ इस स्टॉक में और जितना गिरेगा उतना मैं इसे खरीदूंगा, तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।